स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है मतलब हमें दो हैं तो दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है तभी हम ये प्रूव कर, कर पाएंगे एनालिटिक फंक्शन है अब देखना हम इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करके दिखाना है कि ये फंक्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है अब देखो z क्या होता है हमारा x प्लस आई होटावाई और एफ जेड होता है हमारा u प्लस आई होटावी तो u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई ये क्योंकि क्वेश्चन को में ही दे रखा है तो ये हो गया हमारा ई टू दावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू दावर एक्स साइन वाई ठीक है u क्या हो गया हमारा कंपेयर करेंगे तो ई टू दावर एक्स कॉस y v हो गया हमारा ई टू दावर एक्स साइन y ठीक है क्योंकि रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करके हमारे पास तो ये आएगा अब देखना डेल यू बाई डेलेक्स क्या हो गया हमारा ठीक है डेल यू बाई डेलेक्स मतलब कि कॉस वाई तो बाहर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वाई के डांस में तो कॉन्स्टेंट होगा और इवर एक्स का डेरिवेटिव डेवेट इवर एक्स अब हम निकालते हैं डेल यू बाईल एक्स कॉन्स्टेंट इंटू माइनस साइन वाई क्योंकि वाई को यहां पे वेरिएबल लेंगे ये हो गया माइनस इवर एक्स साइन वाई ठीक है और फिर हुआ हमारा डेल वी बायक्स डेल वी बाय डेल एक्स मतलब हमें यहाँ पे एक्स को कॉन्स्टेंट नहीं लेना वाई को कॉन्स्टेंट लेना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन वाई तो वैसे ही बाहर आ जाएगा उस उसके साथ ई टू दी पावर एक्स का डेरीवेटी ई टू दावर एक्स हो जाएगा अब देखो अब रह गया हमारा डेल वी बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल वाई हमें ये निकालना है अब हम एक्स को कॉन्स्टेंट लेंगे तो ई टू दावर एक्स वैसे ही आ जाएगा साइन वाई का हमारा कॉस वाई आ गया अब देखो उसके हिसाब से सी आर इक्वेशन के हिसाब से डेल यू बाई डेल एक्स मस्ट भी इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई ठीक है डेल यू बाई डेल एक्स क्या है हमारा इवर एक्स कॉस y ठीक है ये हमारी वन और डेल वी del वाई हमारा हो गया e to the power x एक्स वाई तो फ्रॉम एंड ये प्रूफ uh, ठीक है अब देखो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या होती थी डेल यू by डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स देखो अब डेल यू बाई डेल वाई कितना हो गया हमारा माइनस इट दावर एक्स साइन वाई ये इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर हमारी ये हो गई ठीक है ये इसको अगर माइनस ले लेंगे तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा तो फ्रॉम थ्री एंड फोर हेंस प्रूव्ड अब देखो दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई हम वन टू थ्री फोर को यूज करके तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज एन एलेट्रिक फंक्शन अब देखो ये आंसर स्टेटमेंट आएगी बस आपकी He from, uh, we have proved both the equations, and both the equations are satisfying the function, hence, it is an analytic function.